नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं पालक के बारे में, जो कि बच्चे ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इतना अवॉइड करते हैं ये ग्रीन वेजिटेबल्स, जबकि सबसे ज़्यादा हेल्दी उनके लिए दैनिक जीवन में यही होती है। तो क्यों ना हम इसको नए तरीके से बनाएँ और उनको ट्राई कराएँ, उनको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप भी ट्राई करके देखिए और वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके पहले वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज, मैंने ले लिए यहाँ पालक बारीक कट के, और मैं अभी ऑयल पैन चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा जीरा और 3-4 हरी मिर्च मैंने डाल के फ्राई की हैं, और साथ में मैं डालने वाली हूँ अभी इसमें पालक। पालक का मिक्सचर जो हम बारीक काटते हैं पालक, उसको हमें अच्छी तरह से धो के साफ़ करके बारीक कट कर लेनी है। अभी मैंने भी पालक को कट कर लिया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ। पालक को मैं डालने के बाद इसमें अभी तो मामूली सा, मतलब 1 से आधा 1 मिनट बस हम चलाएंगे, और साथ में इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी हमें इतनी रखनी है कि बस पालक हमारी हल्की सी भीग जाए, और ज़्यादा मतलब ओवर पानी नहीं डालना है, पालक हमारी डूब जाए इतना हमें पानी डालना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं था, घर का बना हुआ दही था, और इसमें मैंने बेसन मिक्स करके क्वांटिटी मतलब इतना रखा है कि हमारा जो पालक है कड़ी के हिसाब से गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पालक अच्छी तरह से बॉयल होके पानी में मिक्स हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही डालने के बाद हमारी पालक को हमें रेगुलर चलाना है, अदरवाइज हमारा दही फट जाएगा। तो इसको हम चलाते हुए ये हमने तैयार की पालक की कड़ी। यहाँ पर हम हल्दी, धनिया, मसाला सब कुछ इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो। यहाँ पे इन सब मिक्सचर्स को डाल के, मसाले को डाल के कड़ी को हम रेगुलर चलाएंगे उबाल आने तक। जैसे ही हमारी कड़ी में उबाल आ जाएगा फ्रेंड्स, हमें 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हम तैयार करेंगे अपना तड़के वाला मसाला। तो उसके लिए हम लेंगे जीरा, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 हम काली मिर्च, इतना हमें लेके अच्छी तरह से तवे पे भून लेना और इसको पीस लेना, और साथ में इसमें हींग डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इससे स्वादिष्ट कड़ी बनती है। बस हमारी कड़ी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो ये मिक्सचर मैंने पीस लिया है, और बस इसका हमें तड़का लगाना है। बन गई हमारी टेस्टी कड़ी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।